14 अक्टूबर 2018 को आर्य समाज के तत्वावधान में SN गुप्ता एंड सन्स द्वारा निःशुल्क 63वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। ये विवाह समारोह साल में 2 बार होता है, नवरात्रों में और बसंत पंचमी के दिन। इस सामूहिक विवाह में लगभग सन 1990 से 200 से अधिक जोड़ों का विवाह संस्कार कराया जा चुका है। इस विवाह संस्कार के उपरांत कई सम्मानित संस्थाओं द्वारा विवाहित जोड़ों को सम्मानित किया जाता है और उनको आशीर्वाद दिया जाता है। इस समारोह में मुख्य रूप से अरविंद कुमार बंधु, रमेश सिंह आर्य, हिमांशु आर्य, डॉक्टर अभय क्षत्रिय का विशेष रूप से योगदान रहा। डॉक्टर SN गुप्ता एंड सन योजना के अंतर्गत ये 63वां सामूहिक विवाह है। आर्य समाज प्रतिवर्ष 2 बार निःशुल्क विवाह कराता है। ऐसे एक नवदुर्गो में होता है, शारदीय नवदुर्गो में, और एक बसंत में। तो आज 4 जोड़े का जो है विवाह संस्कार हो रहा है। आर्य समाज का आशय है कि समाज में जहाँ गरीबी है और दहेज की समस्या है और जहाँ जातिवाद की समस्या है, इन सब को ख़त्म करने के लिए आर्य समाज ने ये योजना शुरू करी है। और ये 63वां विवाह है। अब तक हम 220 जोड़ों की यहाँ विवाह संस्कार करा चुके हैं, जिसमें सभी जातियों की जो है व्यक्ति आते हैं। और भोजन उपरांत आर्य समाज अपनी ओर से विवाह उपरांत आर्य समाज अपनी ओर से सब जोड़ों को भोजन करा कर और विदा करता है, तथा उनको अनेक सामाजिक संस्थाएं उनको सम्मानित करती हैं। आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति की नीतू सक्सेना जी रही हैं और अनेक सामाजिक संगठनों के यहाँ लोग उपस्थित हैं।